हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, मतलब स्टोमेटा जो है उसके अंदर जो ओपनिंग होती है एंड क्लोजिंग होती है वो किस तरीके से पॉसिबल है, उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो आज अपने यहाँ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो अपना यहाँ पर आता है कि व्हाट इज स्टोमेटा एंड व्हाट इज द रोल ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट। तो स्टोमेटास जो होते हैं एक परमानेंट पोर्स होते हैं जो कि आपको प्लांट के ग्रीन पार्ट के अंदर मिलेंगे, जैसे कि बेसिकली लीफ के अंदर, लीफ की लोअर एपिडर्मिस के अंदर आपको जो परमानेंट पोर्स नजर आते हैं उन पोर्स को अपन स्टोमेटा बोल देते हैं। और स्टोमेटास जो होते हैं ये बेसिकली एपिब्लेमल सेल्स के बने हुए होते हैं, मतलब ये मॉडिफाइड एपिब्लेमल सेल्स होती है। और स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बीन शेप गार्ड सेल्स दिखा रखी है। तो स्टोमेटा के अंदर डिफरेंट टाइप्स की गार्ड सेल्स हो सकती है, डंबल शेप और बीन शेप एक्सेट्रा। तो आज अपन स्पेशली ये देखने वाले हैं कि ये जो स्टोमेटा पोर्स होता है, यहाँ पर जो स्टोमेटास होता है ये किस तरीके से ओपन होता है और किस तरीके से यहाँ पर क्लोज होता है। तो स्टोमेटा के अंदर आज अपन जो स्टडी करने वाले हैं वो है फोटो एक्टिव स्टोमेटा। फोटो एक्टिव स्टोमेटास वो स्टोमेटास होते हैं जो कि डे टाइम पर ओपन होते हैं और नाइट टाइम पर क्लोज होते हैं। तो ऐसा क्या मैकेनिज्म होता है इनके अंदर जो डे टाइम पर ये ओपन होते हैं और नाइट टाइम पर ये क्लोज होते हैं? तो इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज थी, बट आज जो अपन थ्योरी यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोटोन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। प्रोटोन ट्रांसपोर्ट जो थ्योरी है ये लेविट ने इसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया था। तो आइए अपन देखते हैं प्रोटोन ट्रांसपोर्ट थ्योरी के बारे में। उसके पहले अपन थोड़ा सा गार्ड सेल का एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमें ये आइडिया रहे कि गार्ड सेल के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और गार्ड सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जैसा कि आप यहाँ बोर्ड पे देख रहे हैं, ये जो बीन शेप्ड आपको नजर आ रहा है ये गार्ड सेल है, और गार्ड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल्स की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन थिन होती है, और जो इसकी इंटरनल मेम्ब्रेन होती है अंदर की तरफ जो आपको सेंट्रल लाइनिंग नजर आ रही है ये लाइनिंग थिक होती है। तो ये जो आउटर लाइनिंग है ये एज कम्पेयर टू इनर लाइनिंग यहाँ पर परमिएबल होती है फॉर आयंस एंड गैसेस के लिए परमिएबल होती है यहाँ पर। और जैसा कि आम जनरली अपन सभी प्लांट्स के अंदर देखते हैं तो सभी प्लांट्स के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अगर इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस भी होगा, राइट? तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है डे टाइम पर। तो डे टाइम पर जैसे ही ड्यूरिंग डे का टाइम होता है तो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो यहाँ पर सभी प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर अपन बात करें तो सबसे मेन फैक्टर जो है फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि लाइट यहाँ पर प्रेजेंट होती है, वॉटर यहाँ प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जो एस्पायरेशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो यहाँ पर अवेलेबल होती है। और थर्ड यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो जैसे ये सारे फैक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं तो प्लांट जो होता है गार्ड सेल्स जो होती है वो फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट कर देती है, मतलब यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देता है। और जैसे यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, और ग्लूकोज जो होता है वो पॉलीमराइज होकर के स्टार्च का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर स्टार्च का फॉर्मेशन होता है और स्टार्च का फर्दर ब्रेकडाउन होता है। स्टार्च जो होता है वो दो या तीन स्टेप के बाद में यहाँ पर मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। स्टार्च जो होता है वो पीजीए में कन्वर्ट होता है, एंड पीजीए में पेप्को एंजाइम उसको स्टार्च के अंदर मैलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करता है। मैलिक एसिड का यहाँ पर फर्दर डिसोसिएशन होता है और मैलिक एसिड से यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनते हैं। पहला प्रोडक्ट जो यहाँ पर बनता है वो होता है मैलेट एनायन, एंड दूसरा प्रोडक्ट जो यहाँ पर बनता है वो है प्रोटोन। यहाँ प्रोटोन का फॉर्मेशन होता है। देखो सबसे पहले अपन मैलिक एसिड का फॉर्मूला देख लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि मैलेट आयन क्या है और प्रोटोन क्या होता है। तो मैलिक एसिड के अंदर आर ग्रुप प्रेजेंट होता है और आर ग्रुप के साथ में अटैच होता है यहाँ पर C(OH)2 ग्रुप, ठीक है? तो ये है मैलिक एसिड। अब मैलिक एसिड में से क्या होता है कि मैलेट एनायन अलग हो जाते हैं और प्रोटोन अलग हो जाते हैं, मतलब कि ये जो हाइड्रोजन आयन है इसके अंदर से ये सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ये सेपरेट आउट हो जाते हैं और यहाँ पर एक
एनायन का फॉर्मेशन होता है, और एनायन जो होता है वो है आर सी डबल ओ माइनस, एक एनायन का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो जैसे ही गार्ड सेल के अंदर, ये गार्ड सेल है और इस गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और जैसे ही क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो फोटोसिंथेसिस से स्टार्च बनता है, स्टार्च से मैलिक एसिड, और मैलिक एसिड का फर्दर यहाँ पर डिसोसिएशन होता है। यहाँ पर मैलिक एसिड का क्या होता है, डिसोसिएशन हो रहा है। डिसोसिएशन होने के बाद में ये मैलिक एसिड मैलेट एनायन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है और प्रोटोन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो जैसे यहाँ पर प्रोटोन की कंसंट्रेशन और मैलेट एनायन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो यहाँ गार्ड सेल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन के अंदर एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और इन प्रोटीन्स को बोला जाता है एटीपेस प्रोटोन ट्रांसपोर्ट, एटीपेस प्रोटोन ट्रांसपोर्टर। एटीपेस प्रोटोन ट्रांसपोर्टर जो होते हैं, जब इनका फॉस्फोराइलेशन होता है, मतलब ये एटीपी का यूटिलाइज करते हैं, और एटीपी का यूटिलाइज करके ये प्रोटोन को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम गार्ड सेल टू सब्सिडरी सेल्स। तो ये बाहर वाली जो सेल्स है इनको सब्सिडरी सेल्स बोला जाता है, और सब्सिडरी सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, ओनली गार्ड सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है। तो जैसे ही यहाँ पर हाइड्रोजन आयन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो हाइड्रोजन आयन्स जो होते हैं वो एक प्रोटोन पंप की हेल्प से, प्रोटोन पंप की हेल्प से सब्सिडरी सेल्स की तरफ मूव करते हैं। मतलब ये जो प्रोटोन, ये जो हाइड्रोजन होते हैं ये यहाँ से सब्सिडरी सेल्स के अंदर एंटर होते हैं फ्रॉम गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल से ये सब्सिडरी सेल्स के अंदर एंटर होते हैं। तो जैसे ही गार्ड सेल्स के अंदर एंटर होते हैं तो अंदर एच प्लस आयन्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो यहाँ पर कम होना स्टार्ट हो जाती है, और मैलेट एनायन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ने लगती है। तो मैलेट जो होते हैं, मैलेट एनायन, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पर धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, और एच प्लस की कंसंट्रेशन यहाँ पर धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो पहला स्टेप यहाँ पर आता है, मैलेट एनायन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और एच प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। जैसे यहाँ पर एच प्लस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो एनायन के ऊपर देखो यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो यहाँ पर एनायन जो होते हैं ये माइनस नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो अंदर की तरफ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, गार्ड सेल का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे गार्ड सेल का जो पोटेंशियल चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर कुछ दूसरे टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको अपन बोलते हैं पोटेशियम रिसेप्टर। तो ये पोटेशियम रिसेप्टर्स जो होते हैं ये ओपन हो जाते हैं, ये पोटेशियम रिसेप्टर्स जो होते हैं ये ओपन हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो तरीके के फोर्स यूज हो रहे हैं। एक तो पोटेशियम की जो कंसंट्रेशन है वो सब्सिडरी सेल्स के अंदर ज्यादा होती है, तो एक तो यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट का फोर्स लगता है इनके ऊपर, और दूसरा यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो गार्ड सेल जो है वो ज्यादा नेगेटिव है एज कम्पेयर टू सब्सिडरी सेल्स। तो यहाँ पर जो पोटेशियम्स होते हैं वो पोटेशियम्स गार्ड सेल्स के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो पोटेशियम्स है ये गार्ड सेल्स के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जैसे ही गार्ड सेल के अंदर मूव करते हैं तो अंदर वाला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है, और इसके साथ में कुछ क्लोराइड्स भी यहाँ, क्लोराइड आयन्स जो होते हैं वो भी पोटेशियम की हेल्प से गार्ड सेल्स के अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही पोटेशियम जो है वो अंदर एंटर होते हैं तो अंदर का जो मीडियम होता है उसका जो पीएच है वो मोर देन 7 हो जाता है, मतलब इसका जो पीएच है वो मोर देन 7 हो जाता है। मतलब मोर देन 7 का मतलब है कि वो एल्कलाइन हो जाता है, एल्कलाइन मीडियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं कि जैसे यहाँ पर मैलिक एसिड का डिसोसिएशन होता है तो मैलिक एसिड जो है वो मैलेट एनायन और प्रोटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोटोन और मैलेट आयन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होती है तो अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज, मतलब अंदर की तरफ जो पीएच होता है वो धीरे धीरे एसिडिक होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज जितनी ज्यादा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन होगी पीएच उतना ही ज्यादा गिरेगा, और जैसे ये एसिडिक होता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो यहाँ पर जो प्रोटीन्स होते हैं इन प्रोटीन को बोला जाता है एटीपेस प्रोटीन, एटीपेस प्रोटोन ट्रांसपोर्टर। और ये एटीपेस प्रोटोन ट्रांसपोर्टर जो होते हैं ये एटीपी की हेल्प से हाइड्रोजन को
डार्ट सेल से सब्सिडरी सेल्स के अंदर भेजना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन्स का ई फ्लक्स होता है, हाइड्रोजन आयन्स जो है वो गार्ड सेल से बाहर जाते हैं। जैसे ही हाइड्रोजन आयन गार्ड सेल से बाहर जाते हैं तो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और मैलेट एनायन की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होती है, और मैलेट एनायन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से गार्ड सेल का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो मोर नेगेटिव हो जाता है, और मोर नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर जो पोटेशियम्स होते हैं ये पोटेशियम्स इनफ्लक्स होकर के अंदर की तरफ आना स्टार्ट हो जाते हैं, और पोटेशियम की कंसंट्रेशन धीरे धीरे गार्ड सेल्स में इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। जैसे ही पोटेशियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो अंदर का जो पीएच होता है वो मोर देन 7 हो जाता है और एल्कलाइन हो जाता है। अब पोटेशियम का क्या रोल होता है वो अपन आगे फर्दर देखते हैं। तो ये जो पोटेशियम है यहाँ पर, ये पोटेशियम मैलेट एनायन के साथ मिलकर के, ये जो पोटेशियम होता है ये मैलेट एनायन के साथ में मिलकर के यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स को अपन बोलते हैं पोटेशियम मैलेट का ये यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो पोटेशियम मैलेट होता है, ये पोटेशियम मैलेट इस वैक्यूल के अंदर आकर के डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, वैक्यूल के अंदर आकर के यहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पर पोटेशियम मैलेट की जो कंसेंट्रेशन होती है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, और इसके साथ में जितने भी पोटेशियम यहाँ पर अंदर आ रहे हैं वो सारे पोटेशियम धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्लोराइड यहाँ पर जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, हाइड्रोजन आयन्स यहाँ से रिमूव होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इनकी कंसंट्रेशन, इन सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज होती है, क्योंकि जो वैक्यूल होता है वैक्यूल के अंदर सेल सैप प्रेजेंट होता है, वैक्यूल के अंदर सेल सैप प्रेजेंट होता है, और सेल सैप जो होता है उसके अंदर वाटर प्लस सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं। तो यहां पर अपन देख लेते हैं मैलेट एनायन्स जो होते हैं वो मिलकर के बनाते हैं पोटेशियम मैलेट। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि अपन बात करें वैक्यूल की, तो वैक्यूल के अंदर सेल सैप प्रेजेंट होता है, सेल सैप अपन बोलते हैं सॉल्यूट प्लस वाटर की कंसेंट्रेशन, सॉल्यूट और वाटर जो होते हैं उनको मिलाकर के अपन यहाँ पर सेल सैप बोलते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर ये जो पोटेशियम मैलेट है, पोटेशियम है और क्लोराइड है, जब इनकी कंसंट्रेशन वैक्यूल के अंदर इंक्रीज होती है, तो वैक्यूल के अंदर कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल होता है वो वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, वाटर पोटेंशियल यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है, और ऑस्मेटिक प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही ऑस्मेटिक प्रेशर यहाँ पर इंक्रीज होता है तो जो वाटर है वो वाटर सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल्स के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज ऑस्मोसिस का रूल होता है। ऑस्मोसिस क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब जो सॉल्वेंट होता है वो हाइपो से हाइपर की तरफ मूव करता है। तो जैसे ही यहाँ पर वाटर पोटेंशियल गार्ड सेल का डिक्रीज होता है और ऑस्मेटिक प्रेशर इंक्रीज होता है तो गार्ड सेल जो होती है वो हाइपरटॉनिक हो जाती है, गार्ड सेल यहाँ पर हाइपरटॉनिक हो जाती है। तो ये गार्ड सेल बिकम हाइपरटॉनिक हो जाती है, और जैसे ही गार्ड सेल हाइपरटॉनिक होती है तो ये सराउंडिंग से, मतलब कि सब्सिडरी सेल से वाटर को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देती है। तो सब्सिडरी सेल से जो वाटर होता है वो गार्ड सेल्स के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही वाटर गार्ड सेल्स के अंदर आना स्टार्ट होता है तो यहाँ पर जैसे कि ये वाटर है और ये वाटर गार्ड सेल्स के अंदर आना स्टार्ट होता है तो गार्ड सेल्स जो होती है इट बिकम टर्जिड, ये गार्ड सेल्स क्या हो जाती है, ये टर्जिड हो जाती है। टर्जिड क्यों हो जाती है, बिकॉज वाटर का जो प्रेशर होता है वो इस वॉल के ऊपर क्रिएट होता है,
गार्ड सेल की जो वॉल होती है इसके ऊपर वाटर का प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स जो होती है वो टर्जिड हो जाती है, और टर्जिड होने की वजह से यहाँ पर जो फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं या फिलामेंट्स के अंदर स्ट्रेंथ आ जाती है, और स्ट्रेंथ आने की वजह से ये जो सेंट्रल पार्ट होता है ये सेंट्रल पार्ट के अंदर स्ट्रेचिंग आ जाती है, और जैसे ये पार्ट स्ट्रेच होता है तो यहाँ पर जो स्टोमेटा का पोर्स होता है वो स्टोमेटा का पोर्स ओपन हो जाता है। तो यहाँ टर्जिड होते ही यहाँ पर जो स्टोमेटा पोर्स होता है वो स्टोमेटा पोर्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर स्टोमेटा पोर्स जो होता है स्टोमेटा पोर्स ओपन, ये यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब यहाँ गार्ड सेल जब होता है जिसमें जैसे ही गार्ड सेल हाइपरटॉनिक होती है और सब्सिडरी सेल्स हाइपरटॉनिक होती है तो उस कंडीशन में यहाँ पर एंडो ऑस्मोसिस होता है। तो यहाँ पर एंडो ऑस्मोसिस की वजह से गार्ड सेल जो होती है वो टर्जिड हो जाती है, और टर्जिड होने की वजह से स्टोमेटा जो पोर्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। और इसके अंदर कुछ फाइटो हार्मोन्स का भी रोल होता है। वो फाइटो हार्मोन जो होते हैं वो इन प्रोटोन ट्रांसपोर्टर्स को एक्टिवेट करते हैं, जैसे कि साइटोकाइनेंस जो हार्मोन होता है फाइटो हार्मोन, जिसको अपन ग्रोथ रेगुलेटर भी बोलते हैं, वो ग्रोथ रेगुलेटर का यहाँ पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन प्रोटोन पंप्स को रेगुलेट करने में। तो ये इस तरीके से जो प्रोटोन पंप रेगुलेट होते हैं, और प्रोटोन पंप रेगुलेट होने के बाद में यहाँ पर जो अंदर वाली जो सेल्स होती है वो बिकम यहाँ पर हाइपरटॉनिक हो जाती है, और जो सराउंडिंग सेल्स होती है वो हाइपरटॉनिक होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एंडोस्मोसिस होता है, और एंडोस्मोसिस होने की वजह से ये सेल टर्जिड हो जाती है और स्टोमेटा पोर्स यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब नेक्स्ट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा ड्यूरिंग द नाइट। ड्यूरिंग द नाइट देर इज नो लाइट, यहाँ पर नाइट के टाइम पर लाइट अवेलेबल नहीं होती है, सो देर इज नो लाइट। लाइट इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस, बट ड्यूरिंग द नाइट देर इज नो लाइट सो देर इज नो फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, बट यहाँ पर कुछ फैक्टर्स अभी भी अवेलेबल होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन गार्ड सेल के अंदर बनी रहती है, और वाटर यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जो होते हैं ये दोनों ही यहाँ पर मिलके कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर जो एसिड बनता है उसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। तो यहाँ पर कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और कार्बोनिक एसिड जो है इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है H2CO3। तो कार्बोनिक एसिड जो होता है इसकी वजह से गार्ड सेल्स का जो मीडियम होता है, ये जो अंदर की जो गार्ड सेल है इसके अंदर कार्बोनिक एसिड यहाँ पर बनता है, और कार्बोनिक एसिड बनने की वजह से गार्ड सेल का जो मीडियम होता है, गार्ड सेल का जो पीएच होता है ये लेस देन 5 हो जाता है, मतलब इसका जो पीएच है ये लेस देन 5 हो जाता है, और जो गार्ड सेल्स है गार्ड सेल्स बिकम एसिडिक। तो गार्ड सेल यहाँ पर एसिडिक हो जाती है, और इसका जो पीएच होता है वो लेस देन 5 यहाँ पर हो जाता है। तो जैसे इसका पीएच लेस देन 5 होता है तो यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रोथ रेगुलेटर जो होता है, जिसको अपन बोलते हैं इनिबिटर, प्लांट के अंदर ये इनिबिटर का काम करता है, वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, और उस ग्रोथ इनिबिटर को अपन बोलते हैं ABA, यानी कि एब्सिसिक एसिड यहाँ पर जो होता है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, एब्सिसिक एसिड यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। एब्सिसिक एसिड जो होता है एक ग्रोथ इनिबिटर है, ये यहाँ पर ग्रोथ इनिबिटर का काम करता है। जैसे यहाँ पर एब्सिसिक एसिड एक्टिवेट होता है तो ये जो एब्सिसिक एसिड होता है ये पोटेशियम पंप को ब्लॉक कर देता है। एब्सिसिक एसिड जो होता है ये पोटेशियम पंप्स को यहाँ पर ब्लॉक कर देता है, मतलब कि जो पोटेशियम्स होते हैं वो पोटेशियम्स अब अंदर नहीं आ सकते। जैसे कि यहाँ पर पहले पोटेशियम का इनफ्लक्स हो रहा था, पोटेशियम अंदर की तरफ आ रहे थे फ्रॉम सब्सिडरी सेल से, पोटेशियम जो थे वो गार्ड सेल के अंदर मूव कर रहे थे, तो ये जो पोटेशियम्स होते हैं ये यहाँ पर ब्लॉक हो जाते हैं, ये पोटेशियम पंप यहाँ पर ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से पोटेशियम अंदर नहीं आ पाते हैं, और अंदर का जो मीडियम होता है वो धीरे धीरे एसिडिक हो जाता है। और दूसरा यहाँ पर जो H+ आयन्स होते हैं, H+ आयन्स
यहाँ पर सब्सिडरी सेल्स में जाना बंद हो जाते हैं, सब्सिडरी सेल्स में H+ आयन का मूवमेंट बंद हो जाता है, और जो यहाँ पर पोटेशियम मैलेट प्रेजेंट होता है वो पोटेशियम मैलेट का यहाँ पर डिसोसिएशन होता है, और डिसोसिएशन होने के बाद में वो पोटेशियम अगेन जो होता है वो सब्सिडरी सेल्स में जाना स्टार्ट कर देते हैं। तो पोटेशियम का जो मूवमेंट होता है नाइट टाइम पर वो गार्ड सेल्स से सब्सिडरी सेल्स की तरफ होता है, मतलब पोटेशियम एंड क्लोराइड जो होते हैं यहाँ पर वो वापस सब्सिडरी सेल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये जो आयन्स होते हैं ये सब्सिडरी सेल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं तो वैक्यूल्स के अंदर यहाँ पर जो पार्ट होता है इसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन गिरना स्टार्ट हो जाती है एंड सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन यहाँ पर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो यहाँ पर आता है, यहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो होती है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो होती है विद इन वैक्यूल वो गिरना स्टार्ट हो जाती है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है एंड सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन जो होती है वो यहाँ पर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। सॉल्वेंट कंसंट्रेशन जो होती है वो यहाँ पर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, मतलब कि यहाँ पर वाटर पोटेंशियल जो होता है, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर जो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और ऑस्मेटिक प्रेशर जो होता है वो यहाँ पर ऑस्मेटिक प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही ऑस्मेटिक प्रेशर डिक्रीज होता है तो ये जो सेल्स होती है गार्ड सेल्स यहाँ पर हाइपोटोनिक हो जाती है, गार्ड सेल यहाँ पर हाइपोटोनिक हो जाती है, और हाइपोटोनिक होने की वजह से गार्ड सेल के अंदर होता है एक्सोऑस्मोसिस। तो यहाँ पर गार्ड सेल के अंदर एक्सोऑस्मोसिस होता है, और एक्सोऑस्मोसिस की वजह से जो गार्ड सेल से जो वाटर होता है वो सब्सिडरी सेल्स के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से जो वाटर है वो उसका जो मूवमेंट होता है वो सब्सिडरी सेल्स में जाना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही वाटर सब्सिडरी सेल्स की तरफ मूव होता है तो यहाँ पर जो वाटर का प्रेशर होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, और गार्ड सेल्स जो होती है इट बिकम फ्लैसिड, गार्ड सेल्स जो होती है वो फ्लैसिड हो जाती है, गार्ड सेल्स बिकम फ्लैसिड यहाँ पर गार्ड सेल जो है वो फ्लैसिड हो जाती है, और फ्लैसिड होने की वजह से स्टोमेटा पोर्स जो होता है वो क्लोज हो जाता है, स्टोमेटा पोर्स यहाँ पर क्लोज हो जाता है ड्यू टू फ्लैसिडिटी ऑफ गार्ड सेल। ब्लड सेल के अंदर जो फ्लैसिड होता है, जैसे ही फ्लैसिड होती है तो यहाँ पर जो स्टोमेटल पोर्स जो प्रेजेंट होता है वो यहाँ पर क्लोज हो जाता है। तो इसी तरीके से ड्यूरिंग द ओपन ऑफ स्टोमेटा गार्ड सेल जो होता है वो टर्जिड होती है, एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के टाइम पर गार्ड सेल जो होती है वो फ्लैसिड हो जाती है। और इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है एब्सेसिक एसिड। एब्सेसिक एसिड जो होता है वो यहाँ पर पोटेशियम पंप्स को ब्लॉक कर देता है, पोटेशियम को का इन्फ्लक्स जो होता है उसको ब्लॉक कर देता है, और पोटेशियम्स को यहाँ से बाहर सब्सिडरी सेल्स के अंदर रिलीज करना स्टार्ट कर देता है।